बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सीएम से मुलाकात की। प्रदेश नेतृत्व और आलाकमान जल्द इस मसले को लेकर सीएम से बात भी करेगा। मुख्यमंत्री ने जो चिंता जताई है उसका जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में उनके कार्यकाल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार में इतनी देरी हुई हो। उन्होंने कहा कि हमेशा से हम शुरुआत में ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। वहीं जब सीएम से यह पूछा गया कि आपसे बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मिले हैं, तो उनका कहना है कि बारे में बीजेपी नेताओं ने कोई बात नहीं की, बिल्कुल सहज और सामान्य बातें हुई। बिहार में हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर बातचीत हुई है, जो हम लोगों का लक्ष्य है उन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई है, पर मंत्रिमंडल विस्तार पर बात नहीं हुई। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आप लोग एक बार बता चुके थे, पहले तो यहाँ आते ही थे मुख्य सचिवालय में, अब फिर हमने तय कर दिया है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन हम जरूर आएंगे, तो आज यही का दिन रखा हुआ था हमने। इसलिए यहाँ पर कई काम किए हैं, कोई एक काम नहीं है। और ख़ास करके जो आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो घोषित किया है और जिसको कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 7-2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, तो इसके लिए भी हमने इसका पूरा का पूरा हर जगह का सर्वेक्षण करना, कहाँ किस प्रकार से सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना, तो उसके लिए जो कुछ भी विभिन्न विभागों का 4 विभागों में ये काम हुआ है, तो उन लोगों की तरफ से जो बतलाया गया उसकी भी पूरी समीक्षा की है और उसमें बहुत कुछ हमने सुझाव भी दे दिया है कि भाई इसके लिए कोई सिर्फ पंचायत के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गाँव और टोला के स्तर पर हम लोगों को एक एक चीज़ का सर्वे कर लेना चाहिए। उसमें हम जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ किस तरह से सिंचाई उपलब्ध कराएंगे, तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और बाकी एक आज भी हमने मीटिंग रखा था कि जो हम लोगों ने लागू किया है शराबबंदी, तो उसकी क्या अद्यतन स्थिति है, तो उसके बारे में, और बाकी सब कई तरह के जितने फाइल हैं जो कुछ भी है सब निर्णय लिया है और भी सब बातचीत करते रहे। बता दें कि नियमानुसार बिहार में सीएम समेत 36 मंत्री हो सकते हैं, अभी सिर्फ 14 मंत्री हैं। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 15 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, तभी से मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं।